Hi everyone, I am Urvi, student of Jadavpur University, Food Technology and Biochemical Engineering Department. आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं पावर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जादवपुर यूनिवर्सिटी के. कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी फूड टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसकी प्लेसमेंट्स के ऊपर स्पेशली. अगर तुम लोगों ने वो वीडियो चेक नहीं करी है तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर से उसे चेक करना, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तुम्हें प्लेसमेंट से रिलेटेड. तो आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं. पावर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्लेसमेंट को जानने से पहले तुम्हें ये जानना चाहिए कि पावर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में किस सब्जेक्ट की कोर पढ़ाई होती है. बेसिकली पावर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का सब फील्ड है, जहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन और वेरिएशन के बारे में पढ़ाया जाता है. कोर पढ़ाई वही होती है बेसिकली. एंड ऑल्सो पावर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जादवपुर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में नहीं है, सॉल्ट लेक कैंपस में है. किसी भी कॉलेज या फिर किसी भी ब्रांच को चूज़ करने से पहले हमें उसके बारे में 100% इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है. इसीलिए मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर स्पेसिफिकली वीडियो बना रही हूँ, ताकि तुम्हारे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहे उसके प्लेसमेंट के बारे में. जो भी तुम्हें डिफरेंट रिसोर्सेज से पता चलता है या फिर तुम्हें डिफरेंट वेबसाइट से पता चलता है कि क्या प्लेसमेंट है इस कॉलेज की, वो 100% सही नहीं रहती है. काफ़ी सारे जगहों पर काफ़ी सारे फॉल्ट्स रहते हैं. जबकि मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ तो मैं यहाँ के 100% इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे सकती हूँ, और इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि तुम्हें पता चल सके और तुम्हारे लिए कॉलेज में ब्रांच चूज़ करना या फिर कॉलेज चूज़ करना काफ़ी आसान हो सके. इस डिपार्टमेंट की जो बैच स्ट्रेंथ होती है वो अप्रॉक्स 45 से लेके 50 स्टूडेंट्स होती है. नाउ 2022 के बैच में जो नंबर ऑफ़ ऑफर्स मिले थे इस डिपार्टमेंट में वो थे 58. नाउ नंबर ऑफ़ ऑफर्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से इसलिए ज़्यादा थे क्योंकि कई बच्चों को डबल ऑफ़र या फिर ट्रिपल ऑफ़र भी मिला था. अब आते हैं हम लोग सेक्टर वाइज प्लेसमेंट्स में. अब जब भी किसी कॉलेज में कोई कंपनी रिक्रूट करने के लिए आती है तो मेजरली 2 से 3 टाइप की कंपनी होती है. या तो वो सॉफ्टवेयर होगी, या फिर वो एनालिटिक्स या फिर कंसल्टिंग की कंपनी होगी, या फिर वो कोर कंपनी हो सकती है, मतलब डिपार्टमेंट से रिलेटेड कंपनी. नाउ जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्लेसमेंट हुए थे वो थे 13, एनालिटिक्स या फिर कंसल्टिंग कह सकते हो उसमें 25 ऑफर्स थे, कोर जो जॉब्स थी उसमें 5 ऑफर थे, एंड अदर्स में 15 ऑफर थे जो कि इनसे रिलेटेड नहीं थे. नाउ जो मेजरली कंपनीज इस डिपार्टमेंट में रिक्रूट करने आती है वो है PwC, जिनपैक्ट, डिलॉइट, एक्सेंचर, लार्सन एंड टर्बो, विप्रो, टाइगर एनालिटिक्स, देन कॉग्निजेंट, कैपजिमिनी, सैमसंग ऑब्वियसली, गपशप और IBM. ये जो कंपनीज हैं ये मेजरली इस डिपार्टमेंट में रिक्रूट करने आती है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कंपनीज रिक्रूट करने आती है, बट जो मेजर कंपनीज आती हैं वो इन्हीं में से आती हैं. इस डिपार्टमेंट का जो हाईएस्ट पैकेज था वो था 23 LPA, और जो एवरेज CTC था वो था अराउंड 9.5 LPA. अब तुम देख ही सकते हो कि कितना अच्छा एवरेज CTC है. एवरेज CTC अगर 7 to 8 LPA हो तो वो काफ़ी अच्छा कंसिडर किया जाता है. नाउ जब भी हम लोग JU के प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो एक फैक्टर हमें हमेशा कंसिडर करना चाहिए, वो है यहाँ की फ़ीस. तुम सोचो तुम्हें 10,000 फ़ीस पे करनी है 4 साल के अंदर, और उसके बाद अगर तुम्हारी जॉब 10 लाख की भी लगती है तो इसका ROI कितना ज़्यादा अच्छा हुआ एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कॉलेज इन इंडिया. तो पावर डिपार्टमेंट की भी प्लेसमेंट तुम देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. एंड दिस इज़ इट फॉर दी प्लेसमेंट वीडियो, और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मैं काफ़ी सारे डिपार्टमेंट की प्लेसमेंट्स के ऊपर डिस्कस करूँगी. टिल एंड टेक केयर, पढ़ते रहो, बाय बाय.